बट वो रिलेशनशिप में थे इसमें कोई शक नहीं है वो साथ में रहते थे टाइम स्पेंड करते थे मैंने अपना ओपिनियन ऑलमोस्ट सबसे पहले रखा था okay. और ये मैं बहुत जगह बोल चुका हूँ hmm. और ये मैटर अभी बहुत पुराना भी हो गया है कि चीज़ें ऐसी चल रही थी जो कि हमारे शो की इन्वायरमेंट के लिए एक तरह से ठीक नहीं हो रही थी एक हॉट न्यूज़ जो अभी ताज़ा ताज़ा एकदम उबल रही है या कम बैक टू द शो ये रिश्ता क्या कहलाता है माई क्वेश्चन इज़ स uh, okay. का कोई ऐसा सवाल नहीं है तैयारी पूरी अपनी रेडी है और बस अब जाके आग लगाना चाहता हूँ बट hmm. uh, uh, तीन चार महीने हो गए हैं ऑलरेडी तो uh, कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट है बट मैं यही बोलूँगा आई नीडिड दैट ब्रेक क्योंकि मैं दो साल ऑलमोस्ट Uh, पिछला शो जो मेरा था बैक टू बैक काम कर रहा हूँ mm -hmm. और uh, मुझे कुछ सीखना भी था अपने पर्सनल उसके लिए थोड़ा सा ट्रैवल करना था फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था mm -hmm. तो वो सब मैं कर पाया इसके लिए तो नो no रिग्रेट्स मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये वक्त भी मिला और बस आई होप आगे अभी ना मिले बहुत जल्दी तो <laughs> uh, बहुत खुश हूँ लेकिन अचानक से ऐसा हट जाना लोगों को भी ठीक नहीं लगा बहुत मिस कर रहे थे लोग क्या था रीज़न क्या था रीज़न यही था कि कहानी की ये डिमांड थी इस हिसाब से जो आ, क्या होता है कि एक स्टोरी लिखी गई होती है कि किस हिसाब से किस कैरेक्टर को आ, कब जाना है कब आना है तो वो एक बेस सेट था तो उस हिसाब से आ, मेरा कुछ टाइम के लिए जाना ज़रूरी था क्योंकि आ, देखो इन दी एंड राइटर्स जो हैं हमारे नहीं। नहीं। उनको पता है कि क्या चीज़ वर्क करेगी क्या कब वर्क करेगी फिर इस कैरेक्टर का इतना पोटेंशियल है इस कैरेक्टर को आप आ, सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि आप बस रखे रखो एंड यू नो यू हैव टू यूटिलाइज इट और लोगों ने भी इतना पसंद कर लिया आप तो तो जब फिर वो राइटर्स के लिए भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना कि यार ये कैरेक्टर है इसमें इतना पोटेंशियल है अगर मैं उसको अच्छे से निभा रहा हूँ और ऑडियंस उसे प्यार कर रही है तो ऑब्वियसली उसको एक अच्छे फ्लेवर के साथ हमें बनाना बाए है बाए एक शो में बनाए रखना है कि शो क, की स्ट्रेंथ बढ़ जाए यू नो you know? तो इसीलिए उसी सब चीज़ों पे काम हुआ और अभी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगे और बहुत खूब आएंगे बहुत खूब आएंगे, हाँ। बहुत, आएंगे हाँ। बहुत अच्छे से आएंगे और इसीलिए ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ कि अगर कुछ अच्छा फ्लेवर नया फ्लेवर आएगा तो किस तरह से उसको परफॉर्म करना है तो बस देखो जी लेकिन बीते दिनों जो सारी चीज़ें हुई शो में उससे थोड़ी सी जनता नाराज़ भी थी क्योंकि एक स्टार स्टारकास्ट जो थोड़े दिन तक इसमें उन्हें भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था लीप के बाद ही वो आए थे लेकिन ऑब्वियसली कुछ महीनों में ही लोग कनेक्ट हो जाते हैं आपकी एक्टिंग से सारी चीज़ों से उससे थोड़ी सी नाराज़ है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था राजन शाही सर को वो हमारे फेवरेट थे हम शो नहीं देखेंगे ऐसी सारी कॉमेंट्स भी मैंने पढ़े हैं काफ़ी सारे तो वट डू यू थिंक अबाउट दिस जो पूरा सिनेरियो हुआ शहजादा एंड प्रतीक्षा को शो से निकाला गया वट डू यू थिंक अबाउट इट कैसे हुआ क्या हुआ क्यों हुआ थोड़ा सा एक्सप्लेन। मैंने अपना ओपिनियन ऑलमोस्ट सबसे पहले रखा था okay. और ये मैं बहुत जगह बोल चुका हूँ hmm. और ये मैटर अभी बहुत पुराना भी हो गया है बट uh, मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से जो भी हुआ मैं उस जगह पर प्रेजेंट था hmm. मैंने जिस तरीके से राजन सर ने बताया कि ये ये रीजन्स थे और मतलब उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया जैसे ऑडियंस को क्या लग रहा है कि एकदम से डिसीजन हुआ है ऑडियंस के लिए एकदम से हुआ है ऑब्वियसली क्योंकि उनको एकदम से न्यूज़ ब्रेक की गई बट जिस हिसाब से राजन सर ने बताया तो इट्स इट वॉज लाइक कि उनका ये एकदम से ऐसा डिसीजन था कि ये हुआ तो ऐसे चलो हटा दो रिप्लेस कर दो इट वॉज़ कुछ चीज़ें उन्होंने बताई कि चीज़ें ऐसी चल रही थी जो कि हमारे शो की इन्वायरमेंट के लिए एक तरह से ठीक नहीं हो रही थी या वो अलाइन नहीं कर रही थी जो मैं सही वर्ड ये होगा हो कि जैसे दो चीज़ें हैं अगर वो साथ में मिल नहीं पा रही हैं तो ऑब्वियसली एक चीज़ को तो हटना ही पड़ेगा तो वो वैसा था तो आ, उसी के चलते मेरा ये ओपिनियन था क्योंकि क्या होता है कि कुछ भी ऐसा होता है ना अगर कुछ भी ऐसा न्यूज़ आती है सबसे पहले लोग प्रोडक्शन हाउस यूनिट टीम के पीछे पड़ जाते हैं अरे ऐसा हो गया हम एक्टर्स हैं हम हम समझते हैं कि ऑडियंस कनेक्ट होती है वी आर द फेसेस ऑफ द शो बट यार डेढ़ सौ दो सौ लोग पीछे पूरी जान लगाते हैं हाँ, हमसे है। ज़्यादा जान, the जान news, लगा रहे हैं हमसे ज़्यादा जान लगा रहे हैं और वो हमें ये कैरेक्टर दे रहे हैं तो हम वो प्रेजेंट कर पा रहे हैं Absolutely. हमारा सिर्फ दस परसेंट है हम लोगों का अभी जैसे रोहित भी है रोहित का सिर्फ दस परसेंट मैं दस परसेंट अपना फ्लेवर डाल रहा हूँ बट जो मुझे कैरेक्टर दिया गया है जो ऑडियंस को अगर पसंद आ रहा है hmm. तो वो मेरी मेहनत नहीं है मेरी मेहनत सिर्फ दस है नाइन्टी मेरी टीम की मेहनत है hmm. अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे वो चीज़ें अलाइन नहीं हो रही टीम hmm. और परफॉर्मर्स जो हैं तो फिर क्या कर सकते हैं हम और शो से बड़ा तो कुछ नहीं है शो है तो हम हैं शो नहीं है तो फिर हम हम कौन है यू नो शो इज द किंग शो इज़ द किंग तो शो को uh, कि शो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रहे एक hmm. सही तरीके से चलता रहे hmm. इसलिए ये डिसीजन लिया गया है और uh, मैं यही ये, ये भी कहता हूँ कि ये भी बड़ा रिस्की डिसीजन है hmm. क्योंकि आईपीएल का टाइम है यू you नो know? चैनल और प्रोड्यूसर्स ने मिल अगर ये डिसीजन लिया है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी हो हाँ, कोई बहुत बड़ा रीज़न होगा इट्स नॉट लाइक like इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं लेता और दो मेन कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना यू हाँ। नो you know? तो इस तरीके से हुआ है और मैं यही बोलूँगा कि यार अभी चीज़ें हो गई बातें हो गई काफ़ी वक्त हो गया अभी नए कैरेक्टर्स आ गए वो भी बड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं ऑडियंस उनको भी अप्रिशिएट कर रही है बट हाँ ये मैं ऑडियंस ये मैं का भी समझता हूँ क्योंकि व्यूअर मुझे भी बुरा लगेगा hmm. कि अरे ये क्यों हट गया है ये क्यों ऐसा हुआ बट ये रिश्ता की ऑडियंस जो है वो लॉयल oh, yes. भी है hmm. और वो शो को बहुत टाइम से फॉलो करती आ रही है मतलब हाँ जो बच्चे थे मतलब मेरे जो क्लासमेट्स बच्चे थे hmm. वो सब थे वो अभी तक फॉलो कर रहे हैं उनकी शादियां भी हो गई <laughs> उनके, उनके बच्चे, बच्चे बच्चे भी हो गए <laughs> तो यू नो इतना ऐसा फैन बेस है <laughs> okay. और ये हमेशा होता ही है कोई भी कास्ट चेंज होती है हर जनरेशन में कास्ट चेंज होती <laughs> है या कुछ भी होता है तो वो बैकलेस थोड़ा मिलता है थोड़े वक्त <laughs> के लिए बट ऑडियंस ने हमें इतना प्यार दिया है थोड़ा और देते रहो और मौका दो मतलब उनको भी मौका एक्टर्स को प्यार के भूखे थोड़ा मौका दो उनको भी प्यार दो जो रिप्लेस हुए हैं क्योंकि उनका भी कोई अगला प्रोजेक्ट आएगा उनको भी फुल सपोर्ट दो हमें भी फुल सपोर्ट दो शो को भी फुल सपोर्ट दो मतलब कोई वॉर नहीं है यू you नो know, कोई वॉर नहीं है जैसे आप चीज़ों में कुछ अगर चीज़ें साथ में एक साथ मिल नहीं बैठ पा रही हैं तो वो अपने रास्ते हम शो अपने रास्ते तो वो इस तरीके से है कोई ऐसे लड़ाई नहीं है किसी से या कुछ नहीं है मैंने जो स्टेटमेंट भी दी थी तो वो भी एक बड़े कंसर्न में दी थी, थी कि यू uh, नो you know, इस तरीके से तो उसमें कुछ ऐसा वॉर नहीं है जो जिस तरीके से वॉर बना दिया गया है तो आगे दुनिया में इतनी लड़ाइयाँ चल रही है इतने वॉर चल रहे हैं रोज हम न्यूज़ सुनते हैं तो ये क्या है ये छोटी मोटी चीज़ों में हमें पढ़ना और लेट्स जस्ट गो यार विश देम आल्सो ऑल द बेस्ट एंड विश आर शो आल्सो टू डू गुड जो नए एक्टर्स हैं उनको उनका भी साथ दो सपोर्ट दो अगर हम कहीं गलत जा रहे हैं तो वो भी हमें बताओ बट द र्यूमर सजेस्ट देर इज़ अ न्यूज़ ऑल ओवर ऑन सोशल मीडिया दैट प्रतीक्षा एंड शहजादा वर इन अ रिलेशनशिप वट डू यू है फील अबाउट इट व दे इन अ रिलेशनशिप और इट्स जस्ट अ र्यूमर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ mm. जो डेढ़ दो महीने में शूट पे था तो प्रतीक्षा uh, ने सबसे पहले मेरे साथ मॉक शूट किया था mm. और uh, बहुत स्वीट लड़की है बहुत अच्छी है उसका पहला प्रोजेक्ट था hmm. उसने मुझे ये भी बताया कि उसने कभी कैमरा फेस भी नहीं किया था पहले शी वॉज इन अदर प्रोफेशन शी केम और uh, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए थी तो uh, शहजादा से मेरी हमेशा प्रोफेशनली बात हुई है सीन को लेके या वैसा hmm. कभी पर्सनल uh, लाइफ uh, की हमारी इंटरेक्शन नहीं हुई uh, देवर गुड फ्रेंड्स इसमें कोई शक नहीं है वो साथ में रहते थे टाइम स्पेंड करते थे बट मैंने कभी उनसे उनके पर्सनली इक्वेजन के बारे में पूछा नहीं र्यूमर्स क्या है र्यूमर्स कुछ सच भी होते हैं कुछ नहीं भी होते चीज़ें बोलते हैं लोग तो मैं उनको मान के नहीं चल सकता बट मैंने कभी भी पर्सनली उनसे नहीं पूछा कि यार आप लोग डेट कर रहे हो या आप रिलेशनशिप में हो या कुछ है बट वो अच्छे दोस्त थे ये सबको पता है और ये उनका ऐसे इक्वेजन थी प्रतीक्षा से प्रतीक्षा की मेरे से भी बहुत अच्छी बात होती थी आ, बट हमारी भी मोस्टली काम को लेके ही होती थी बट कभी थोड़ी बहुत फैमिली के बारे में ये सब बात होती थी बट वो रिलेशनशिप में थे नहीं थे वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं कभी उस लेवल तक हमारी कॉन्वर्जेसन हुई ही thing? नहीं हाँ कि वो कॉन्वर्जेसन no. ही नहीं हुई कि मैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे mm -hmm. में पूछूं या वो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछे तो वो एक बड़ा ही प्रोफेशनल सेटअप था और बहुत अच्छा था mm -hmm. मतलब पर्सनली मुझे उनके साथ कोई कभी कोई प्रॉब्लम फेस करने का ऐसा कुछ हुआ नहीं बट हाँ इट्स नॉट अ चार लोगों की चीज़ या पांच लोगों की hmm. चीज़ या दस लोगों की चीज़ या सिर्फ एक्टर्स की चीज़ ये पूरी टीम की चीज़ होती है मतलब पूरी सौ डेढ़ सौ लोगों की टीम है Absolutely. आपको बहुत ज़रूरी है हम सबको बहुत जरूरी है कि हमें एक एज ए टीम के साथ चलना है hmm. अगर वो कहीं ना कहीं कुछ फ्रिक्शन हो रही है कुछ हो रहा है तो फिर ऐसा डिसीजन उसी को हित में रख के लिया गया द न्यू कास्ट रोहित एंड गर्विता दे आर रियली स्वीट आई नो बोथ ऑफ देम आपका कैसा इक्वेशन उनके साथ पहली बार कब मुलाकात हुई थी क्या आप उन दोनों में से किसी एक को पहले से जानते हैं या अभी तक मिले नहीं है ये भी हो सकता है मैं दोनों से मिला हूँ okay. क्योंकि इसका जब मॉक शूट हो रहा था तो आ, मैं उन दोनों से मिला और गर्विता के साथ मैंने शूट भी किया फॉर दैट मॉक शूट हमारी जोड़ी को टेस्ट करने के लिए कि कैसी लग रही है स्क्रीन पे okay. बड़ी टैलेंटेड लग रही है मुझे और बहुत मज़ा आया वो मॉक शूट करके भी एक केमिस्ट्री मुझे लग रहा है कि वी कैन बिल्ड एन अमेजिंग केमिस्ट्री और आई एम जस्ट एक्साइटेड टू वर्क विद देम आल्सो अगेन क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक जोड़ी जो ऑलरेडी एक ऑडियंस के दिलों तक पहुँच चुकी है तो उसमें आपको किसी और की शक्ल अब आ गई है और <laughs> कोई और Uh, uh, इंसान उस कैरेक्टर mm -hmm. को पोर्ट्रे कर रहा है mm -hmm. तो वो वापस इक्वेशन बनाना इट्स नॉट इजी फॉर मी आल्सो बट वो अच्छी टैलेंटेड लड़की है और mm -hmm. हमारी जितना मैंने मॉकशूट पे देखा एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री निकल के आ रही थी बात करने में भी एक uh, okay. उसके साथ एक ईज फील mm -hmm. हो रहा था तो आई थिंक वी कैन पुल इट ऑफ और uh, रोहित से मेरा सिर्फ फ़ोटोशूट हुआ था हमारा आ, बट बहुत स्वीट है वो भी बहुत प्यार से हम मिले हाय हेलो बात हुई एंड अभी मैं उनको इतना जान नहीं पाया हूँ बट सेट पे जाऊँगा तो और बातें होंगी एंड और समझ पाऊँगा बट बहुत स्वीट सिंसेयर डिसेंट मतलब अपने काम से एकदम ध्यान से वैसा इस टाइप का उनका नेचर मुझे अभी लगा फर्स्ट टाइम तो देखो अभी यार एक्साइटमेंट पूरी है काम करना चाहता हूँ अच्छे लोगों के साथ तो जी अच्छा आपके कैरेक्टर में ऐसी कुछ बात हुई होगी आपकी मेकर से राजा शाही सर से कुछ चेंजेस है उस कैरेक्टर में या एज इट इज सेम कुछ तो है ओके okay. कुछ तो है ये सस्पेंस है, कुछ तो है okay. और, uh, uh, अच्छा फ्लेवर है आई जस्ट होप कि मैं उसे अच्छे से कैरी कर पाऊँ uh, और uh, अच्छे से मेहनत करूँ और ऑडियंस को भी पसंद आए बट uh, जो भी है बहुत जस्टिफाइड तरीके से किया जा रहा है इट्स नॉट दैट ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के पीछे रीजंस हैं uh, जो रोहित के भी अपने reasons हैं कि रोहित के साथ क्या हुआ okay. रोहित के साथ ऐसा हुआ कि एक तो उसको प्यार हुआ hmm. जिस लड़की से प्यार हुआ वो उसको भाव नहीं देती उस उसको उससे प्यार नहीं है उसको उसके बड़े भाई से प्यार है बड़े भाई का उसको पता चला कि उसने अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर दिया छोटे भाई के लिए hmm. तो वो एक पूरा डेलेमा में है hmm. कि यू you नो know, कि क्या हो रहा है मेरे साथ मतलब कौन सही कौन गलत क्या हो क्या रहा है तो वो सब फ्लेवर्स को कंपाइल करके उसका एक अलग एक नज़रअंदाज से उसको पेश किया जाए नज़रअंदाज नहीं क्या बोलते उसको एक अलग अंदाज से अन्दाज पेश करते <laughs> <नहीं नहीं। laughs> <laughs> एक अलग अंदाज से उसको पेश किया जाएगा तो आई होप कि मैं उसे अच्छा कर पाऊँ बिल्कुल आप बहुत अच्छा करेंगे जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ बहुत अच्छे एक्टर हैं आप अपार्ट फ्रॉम दिस दर इज़ अ शो कॉल्ड बिग बॉस विच इज़ हाईली पॉपुलर एंड हाईली रेटेड इन इंडिया सो फार खतरों के खिलाड़ी इज़ देयर झलक दिखला जाए इज़ देयर आई इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज रियलिटी शोज सी इफ़ यू आस्क मी अबाउट इट राइट नाउ अभी मैं एक एक्टिंग स्पेस में बहुत खुश हूँ okay. और uh, मैं बहुत मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छा ग्रो mm -hmm. कर सकता हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ uh, तो मैं अभी तो नहीं चाहता क्योंकि वो एक रियलिटी स्पेस वाला जोन है mm -hmm. उसमें आपको रियलिटी आई लाइक पोट्रेइंगटर्स यू नो मुझे कुछ ऐसा कैरेक्टर दिया जाए तो उसका चाहे वो फिल्म हो या वेब सीरीज़ हो या ओ कुछ भी शॉर्ट कुछ भी इन टर्म्स ऑफ आई लाइक टू एक्ट तो uh, ये अभी मेरे साथ है बट यू नेवर से नो बिकॉज इट्स ऑल्सो वेरी बिग शो एंड आपका रातों रात आपकी चीज़ें बदल जाती है बट राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी विद वॉट आई एम डूइंग विद माई शो एंड विद द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग सो उसको मैं अभी प्ले करना चाहता हूँ और uh, खतरों के खिलाड़ी आई लाइक बिकॉज खतरों के खिलाड़ी आई लाइक like क्योंकि वो मुझे इंटरेस्ट करता है कि यू डू द टास्क एंड वो मतलब टेक अ रिस्क एंड वो चीज़ें क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी में है टेकिंग रिस्क एंड यू नो एडवेंचर टास्क ट्रैवल तो वो सब मुझे एक्साइट करता है बट अभी तक ऐसा कोई ऑफर आया नहीं hmm. आएगा तो उसके लिए मैं पक्का सोचूंगा बट बाकी सब रियलिटी शोज़ के लिए अभी मुझे नहीं लगता कि मैं अभी उस लायक नहीं हूँ मैं अभी एक्टिंग स्पेस में बहुत खुश हूँ uh, जितना भी कुछ कैरेक्टराइजेशन uh, के लिए कुछ ऐसा रोल मिले तो उसमें मैं बहुत खुश हूँ बट रियलिटी शोज़ में अभी मुझे नहीं लगता कि मैं सर्वाइव भी कर पाऊँगा ओके विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग अस इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू एंड मुझे लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन हम बार बार करते रहेंगे क्योंकि uh, जिस तरीके का आपका पोटेंशियल मुझे दिख रहा है आप आगे जाकर बहुत बड़े स्टार बनेंगे uh, obviously देखिए एक स्टार एक्टर कोई बड़ा छोटा नहीं होता एक्टर सारे एक्टर ही होते हैं बट वो जो अहदा दे दिया जाता है ना उनको कि आप बहुत बड़े एक्टर बहुत बड़े सुपरस्टार हो एंड आई विश यू द सेम फॉर यू एंड बिकॉज़ आई बिलीव इन यू क्योंकि जितना देर आपसे बात हुई है पहले भी मैं आपसे मिला हूँ पॉजिटिविटी वो एनर्जी देट यू ब्रिंक्स तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस लास्टली एनी मैसेज टू दी ऑडियंस टू योर फैंस दैट यू लाइक टू कन्वे यार फैंस को यही बोलूँगा कि मस्त uh, रहो uh, मतलब जिस तरह से आप शो को सपोर्ट करते आए हो शो को सपोर्ट करो मुझे अगर मुझे अगर मैं आपको पसंद आ रहा हूँ मुझे सपोर्ट करो पसंद नहीं आ रहा हूँ तो आपके जो कमेंट्स होंगे जो मुझे लगेगा कि जस्टिफाई है तो मैं उस पर ज़रूर गौर करता हूँ और उससे सीखने की कोशिश कर, कोशिश करता हूँ और बस यार लाइफ में चिल रहो टेंशन मत लो आई आ रहा है आई देखो लेकिन साढ़े नौ बजे रिश्ता देखो प्लीज़ और बस यार ऊपर वाले का नाम लो और जिसको अपने जिसको आइडल मानते हो जिससे भी आप प्यार करते हो उससे सीखने की कोशिश करो और खुश रहो बस चिल मारो लाइफ में